भाई एक ऐसी सरकार है जहाँ पे शिक्षक अपनी भर्ती के लिए सालों साल इंतजार कर रहे हैं। ये लोग कोई विधानसभा के सामने थोड़ी बैठे हैं, यहाँ पर इन लोगों का आधार कार्ड सबका ले लिया गया कि हम लोग FIR दर्ज करेंगे। क्यों भैया? बहाना बनाकर ये लोग सातवें चरण का ये लोग नोटिफिकेशन नहीं निकाल रहे। IVTV के तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, बिहार के राजनीति में तमाम सियासी हलचल के बावजूद जो चिराग पासवान भी बिहार के राजनीति में अक्सर लगातार जब से उनके पार्टी में फूट हुई तो उसके बाद से लगातार वो एक्टिव हैं और लोगों से मिलते हैं, सरकार की कमियों को वो लगातार उजागर करते रहते हैं, अपनी बातों को वो रखते रहते हैं। देखिए, आज कल चिराग पासवान पहुँचे, गया पहुँचे, वहाँ के बाद वो पटना पहुँचे। पटना में आज BTET और STATE के जो परीक्षा को लेकर के जो लगातार अभ्यर्थी हैं वो मांग कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, बहुत दिनों से मांगें चल रही हैं। जो बिहार में भी अब TET का और STATE का एग्ज़ाम होनी चाहिए जो कि बहुत दिनों से नहीं हुई है, इसको लेकर लगातार गर्दनी बाग में जब जाएंगे तो देखेंगे धरनास्थल पर जो है तमाम विद्यार्थी जो है वो बैठे रहते हैं अपनी मांगों को लेकर। कैसे में चिराग पासवान वहाँ जाते हैं, विद्यार्थी से जा करके मिलते हैं और उनकी मांगों को जो है सुनते हैं और सरकार की कमियों को वह वहाँ भी गिनाते हैं और सरकार पर जो है वो वहाँ भी आरोप लगाते हैं। फिलहाल ये तस्वीर देखिए जो आपके वहाँ स्क्रीन पर चल रहा है, देखिए तस्वीर किस प्रकार से चिराग पासवान उन अभ्यर्थियों से जो ये मांग कर रहे हैं उनसे जाकर कैसे मिल रहे हैं। लोगों पर लाठीचार्ज किया और 14 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया और ये धमकी देकर छोड़ा गया कि अगर आप लोग फिर से उतरेंगे तो आपके सरकार के पास अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे लोगों की आवाज को चलने का सिर्फ एकमात्र रास्ता है लाठीचार्ज। भले वो शिक्षक हो, छात्र हो, नर्सिंग की छात्राएं यहाँ पर बैठी हुई, जो कोई भी हो, सबकी आवाज को कुचलने के लिए मौजूदा सरकार, मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास सिर्फ एक ही हथियार है, वो है उनकी लाठी। वो लाठी उनकी हमेशा तैयार रहती है यहाँ पर लोगों की आवाज को दबाने के लिए, कुचलने के लिए। भैया, शांति पूर्वक आंदोलन करने का अधिकार संविधान हम लोगों को, लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जहाँ आप सत्ता पक्ष से शांतिपूर्वक तरीके से सवाल जवाब कर सकते हैं, पर अगर शांतिपूर्वक जी नमस्कार, चिराग पासवान नमस्कार, थाना प्रभारी महोदय बोल रहे हैं आप? अरे थोड़ा सा साइड हो जाएगा। अच्छा, आपको ये जानकारी होगा, गर्दनी थाने, ये गर्दनी बाग थाना से बोल रहे हैं ना? ठीक है, आपको ये जानकारी होगी कि यहाँ पर कुछ शिक्षक हैं जो बैठे हुए हैं धरने पर, जानकारी है आपको? हाँ, जानकारी है ना? तो ये जो शिक्षक लोग जो यहाँ पे धरने पर बैठे हुए हैं गर्दनी बाग थाना के आपके अधिकार क्षेत्र के अंदर, तो उसमें किसी तरीके की आपको कोई समस्या, कोई दिक्कत? हाँ, कोई समस्या नहीं है ना? हाँ, क्योंकि हम ये इसलिए पूछना चाह रहे हैं क्योंकि लोकतंत्र में देखिए धरना प्रदर्शन करने का अधिकार हर किसी को है, जो भी शांतिपूर्वक तरीके से कर रहा है और अधिकृत क्षेत्र में कर रहा है। ये लोग कोई पटना में गांधी मैदान में नहीं बैठे हैं या ये लोग कोई विधानसभा के सामने नहीं बैठे, ये लोग गर्दनी बाग में बैठे हैं जहाँ पे और भी लोग बैठते हैं। तो इन लोगों को यहाँ से पंडाल वगैरह हटाने के लिए कहा जा रहा है थाना प्रभारी महोदय? क्यों नहीं, ये लोग यहाँ पर अगर बैठे हैं तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं है पंडाल लगा के? कोई दिक्कत नहीं नहीं भाई, हम लोग तो दुआ करते हैं कि इतना दिन नहीं बैठना पड़े, दो चार दिन में हम लोग की मांग सुन ली जाए, यही दुआ कीजिए कि जल्दी हम लोग की मांग पूरी हो जाए। ठीक है, तो हम लोग ठीक है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बस देखिए, अगर किसी को दिक्कत नहीं हो, शांतिपूर्वक तरीके से लोग अपनी मांगों को रख रहे हैं और वो रखने का अधिकार है। ठीक है, कहीं पे कुछ गलत होगा तो हम खुद भी बोलेंगे, पर यहाँ पे शांतिपूर्वक तरीके से सब लोग बैठे हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, ठीक है। सर, 3 साल से ये लोग आंदोलन, ना जाने कितने आंदोलन कर दिए, 3 शिक्षा मंत्री बदल गए, लेकिन आप तक छठवा चरण और सातवा चरण पूरा नहीं हो सका। सोचिए, छठवा चरण जो कि इनकी खुद की नियमावली कहती है,
कि अगर किसी चरण में 3 राउंड की अगर काउंसलिंग हो जाती है तो उस चरण को वैसे ही कंप्लीट माना जाता है, पर अभी मुझे लग रहा है कि शायद 6वें चरण में 5वें या 6ठे राउंड की काउंसलिंग चल रही है और उस चरण को अभी तक कंप्लीट नहीं किया गया और उसी को बहाना बनाकर ये लोग 7वें चरण का ये लोग नोटिफिकेशन नहीं निकाल रहे। ये कहीं ना कहीं ये लोग सिर्फ भ्रम फैलाने का ये लोग काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको भर्ती करनी ही नहीं है, ये लोग चाहते ही नहीं है कि भैया जो इनका हक है, जो इनका अधिकार है वो इनको मिले। अभी अपनी बातों में मैं यही कह रहा था कि इससे ज़्यादा दुखद तस्वीर नहीं हो सकती। हम लोग के संस्कारों में हम लोग को सिखाया जाता है कि शिक्षक को भगवान से बढ़कर दर्जा दिया गया। हम लोग को बताया जाता है कि कभी भगवान सामने हो, शिक्षक सामने हो, तो पहले गुरु के जाके आप चरण लगो। वहाँ पर शिक्षकों को इस तरीके से अपने हक अपने अधिकारों के लिए सड़क पर बैठना पड़ रहा है, धूप गर्मी बारिश आंधी में ये लोग यहाँ पर ये लोग बैठे हैं और सरकार सुनने को तैयार नहीं है। भाई एक बार सुनिए तो कम से कम। मैं शिक्षा मंत्री से आपके माध्यम से आग्रह करूँगा और आपके माध्यम से क्या शिक्षा मंत्री जी पता करें उनके कार्यालय में खुद मैंने कितनी बार मिलने का समय उनसे मांगा है। शिक्षा मंत्री एक चुने हुए जनप्रतिनिधि को अगर मिलने का समय नहीं देते तो सोचिए आम बिहारियों के साथ क्या होता होगा। मैंने उनसे आग्रह किया था शिक्षा मंत्री जी से कि मिलने का समय दें, ज्यादा नहीं 5 लोग 10 लोग 11 लोग जितना आप बोलेंगे एक प्रतिनिधि मंडल उनसे मिलने जाएगा। सीटेट बीटेट के हम लोग चाहते हैं कि जाएं उनसे मुलाकात करें, अपनी बातों को उनके सामने लोग रखें, पर एक बार मिलने का समय नहीं। और ऊपर से झूठे वादे इन्हीं लोगों ने लिखित तौर पर आश्वासन दिया था कि अभी जुलाई के महीने के आखिरी हफ्ते में ये लोग नोटिफिकेशन निकालेंगे। वो आखिरी हफ्ता निकल गया, अगला महीना शुरू हो गया, पर अभी तक इन लोगों ने अपनी बातों को ही पूरा नहीं किया। जो वादा इन लोगों ने किया वो वादा ही पूरा नहीं किया। हम लोग और कुछ नहीं चाहते, हम लोग चाहते हैं कि भैया आप एक डेट बता दो, उस डेट पर ये लोग नोटिफिकेशन निकालें, हम लोग बस वो चाहते हैं। आंदोलन किए, शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन किया गया, फिर भी पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा इनके ऊपर बर्बरता पूर्वक जो है लाठीचार्ज किया गया। महिला को भी भाई प्रताड़ित करने का काम ये राज्य सरकार करती ही है। यहाँ पर थाना की तरफ से इन लोगों को कहा जा रहा है कि भैया आप बैठ नहीं सकते। भैया ये अधिकृत जगहों में से एक है, ये लोग कोई विधानसभा के सामने थोड़ी बैठे। यहाँ पर इन लोगों का आधार कार्ड सबका ले लिया गया कि हम लोग FIR दर्ज करेंगे। क्यों भैया, कौन सी तानाशाही चल रही है? क्या लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार नहीं है? क्या शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बातों को रखने का अधिकार नहीं है? अगर आपको गिरफ्तारी करनी है तो भैया चिराग पासवान भी यहाँ पर आकर बैठा है, मेरा भी आधार कार्ड ले लीजिए, गाड़ी में पड़ा है हमारे पास, आधार कार्ड हमारा भी ले लीजिए, कर लीजिए हमारी भी गिरफ्तारी। अगर किसी और के ऊपर FIR होगी तो वो FIR फिर चिराग पासवान के ऊपर भी होनी चाहिए। जो नियम ये लोग तोड़ रहे हैं वो नियम तो फिर हमने भी तोड़ा यहाँ आकर बैठ कर, पर ये लोग सिर्फ डराने का काम करते हैं, सिर्फ लोगों को डरा के धमका के कि पंडाल नहीं लगाने देंगे तो FIR कर दी जाएगी, पर इनकी उचित मांगों को कभी पूरा नहीं करते। सर कई विपक्षी नेता यहाँ पे आ रहे हैं, आज रैली से लेकर हर एक विपक्षी नेता यहाँ पे आ रहे हैं, आपकी पार्टी की तरफ से कितना समर्थन मिलने वाला है, आप कब तक शांत रहेंगे, कितना शांत रहेंगे? भाई मैं पार्टी की तरफ से ही नहीं, मैं पूरी तरीके से, मेरा तो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट जो विजन डॉक्यूमेंट है उनमें इन बातों का मैंने जिक्र किया हुआ है। भाई एक ऐसी सरकार है जहाँ पे शिक्षक अपनी भर्ती के लिए सालों साल इंतजार करते हैं, ये एक ऐसी सरकार है जहाँ पे 3 साल के ग्रेजुएशन के कोर्सेज 5-5, 6-6 साल तक चल रहे हैं, ये एक ऐसी सरकार है जिसके अंतर्गत परीक्षाओं की डेट कभी पता नहीं चलती है, कोर्सेज कंप्लीट नहीं होते हैं समय पर परीक्षाएं नहीं होती हैं, BPSC में पेपर लीक हो जाता है। सोचिए सरकार से लोग क्या उम्मीद करेगा। तो हमने तो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट में इन तमाम समस्याओं का जिक्र हम लोगों ने किया है, तो मैं सिर्फ यहाँ पर इनको नैतिक या मौखिक समर्थन देने ही नहीं आया हूँ, पूरी पार्टी का पूरा संगठन मजबूती से इनके साथ है और उन नीति निर्धारकों को, उन अधिकारियों को, नेताओं को, उन मंत्रियों को और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को निरंतरता में ये जानकारी उनको हम लोग देते रहेंगे जब तक हम लोग की मांगे पूरी हैं। कब क्या लगता है सर, कब तक नोटिफिकेशन आने का चांस है? भाई हम लोग तो चाहेंगे कि कल के कल आए नोटिफिकेशन, सर क्यों विलम्ब हो? मैं आज पुनः मैं आग्रह करूंगा शिक्षा मंत्री हम लोग को मिलने का समय दे, बात तो सुने भाई। अगर आपके भी सर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सत्ताधारी पक्ष जो है तो राजनीतिक महत्वाकांक्षा को लेकर इन जो शिक्षक आंदोलन अभ्यर्थी हैं इनको दबाया जा रहा है, राजनीतिक महत्वाकांक्षा को इसमें सर हम जोड़ेंगे जरूरी। बिल्कुल सही बात है भाई, दबाया लाठी क्यों चलाई जा रही है शिक्षकों को, महिलाओं को भाई, ये शिक्षक बच्चों को कलम पकड़ना सिखाते हैं उनके ऊपर लाठी आप चला रहे हैं क्यों?
ताकि आप अपनी गलत नीतियों के ऊपर पर्दा डाल सके। यही कारण है ना क्यों हर आंदोलन का अंजाम लाठियों पर ही होता है। शिक्षक हो, छात्र हो, नर्सिंग की छात्राएं बैठी होती है, जो कोई बैठा हो यहाँ सिर्फ लाठी चलती है। एक भी सवाल का जवाब देने के लिए ना शिक्षा मंत्री सहमत होते हैं ना उनके पार्टी के कोई भी एक गया निर्वाचन सवाल का जवाब ही नहीं है इन लोगों। गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से कल परसों में हमने उनको घेरा और स्वयं नोटिफिकेशन पर जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो गाड़ी में बैठकर भाग खड़े। मैं मीडिया के साथियों से आप लोगों से आग्रह करूंगा भैया बहुत बड़ी ताकत है आप लोगों के पास, आपके कलम में, आपके मीडिया में, आपके कैमरे में बहुत बड़ी ताकत है। पकड़िए ऐसे मंत्रियों को, सरकार के मंशा पर सर सवाल नहीं उठता है। पूछिए उनसे, सवाल कीजिए कि भैया ये लोग यहाँ पर बैठे हैं एक घंटा कोई मंत्री नेता आके इतनी गर्मी में बैठ के दिखा दे। शिक्षा मंत्री आए यहाँ पर बैठे हैं, जब ये लोग बैठते हैं तो अगला महीना का टाइम दे दिया जाता है, कभी जनवरी फरवरी कभी मार्च इस तरह का टाइम दे दिया। पिछली बार भी बैठे थे, जुलाई की डेट दे दी गई। तो आपने देखा जो किस प्रकार से देखिए चिराग पासवान उन अभ्यर्थियों के बीच में पहुंचे हैं और उनसे मुलाकात कर रहे हैं और जो उनका मांग है उनको सुन रहे हैं। ऐसे में जो है बिहार की राजनीति में जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी सरकार विरोधी सरकार की जो का जो नीति है उसको लगातार चिराग पासवान जो है उस पर सवाल उठाते रहते हैं। ऐसे में चिराग पासवान गर्दनी बाग पहुँचते हैं, उन विद्यार्थियों से, उन छात्रों से मुलाकात करते हैं और उनकी जो पीड़ा को वो सुनते हैं। बहरहाल ऐसे खबर देखने आप देखते रहे टीवी। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम, हम सिर्फ घर नहीं खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।